बराबर है कि नहीं, परफेक्ट होना चाहिए करके। तो उसने देखा कि नाक के वहां पे थोड़ा सा एक यू नो वो चिजल्ड हो गया था, मतलब यहाँ पे क्रैक आ गई थी। तो उन्होंने बोला मैं इसको तोड़ने वाला हूं और मैं फिर से बनाऊंगा। तो उसके साथ जो काम कर रहे थे उन्होंने बोला अरे क्या फर्क पड़ता है, इतना लंबा है 6 फुट का वो मूर्ति है, वो उसके ऊपर से तो कोई देखने वाला नहीं है और इतना सा जरा सा एक क्रैक है तो उसमें क्या फर्क पड़ता है, किसी को दिखेगा भी नहीं। पर उसने बोला मुझे तो दिख रहा है, मुझे तो पता है कि ये मेरे लिए नहीं चलेगा। तो आप जरा सोचिए आपके लाइफ में बहुत छोटा सा कोई बात तो किसी को पता नहीं, तो क्या वैसे चीजें आपकी जिंदगी में आप चलाओगे? Nobody is going to know about it. But will your conscience know? जिसका जमीर जिंदा है वो कभी भी अपने आप को वो सिचुएशन में नहीं डालेगा। तो ये आपको याद रखना है that whatever you do, you have to be ethical. Maybe you have to stand out alone, but you have to be ethical. हम जानते हैं हमारे सीनियर लेवल में भी जब एग्जाम्स हो रहा था, प्रिंसिपल्स के जो टेस्ट हो रहे थे, तो हम बैठे थे ऐसे ही और पीछे से मुझे बार बार कोई ना कोई बुला रहा था, बोल रहा था इसका आंसर क्या है। बीइंग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन यू टेल चिल्ड्रन नॉट टू कॉपी एंड वी आर डूइंग द सेम थिंग। मैंने कहा भले जो भी स्कोर हो, बिकॉज एट दैट लेवल इफ यू हैव स्कोर्ड लेस मार्क्स इट शोज दैट You know, you don't have that much of intelligence or knowledge. आपका experience के ऊपर लोग मजाक उड़ाते हैं कि इतना experience है आपको क्या आता है, कुछ नहीं आता। तो उस समय पे आपको decision लेना है कि whether even if people are doing it, do you want to be a part of an unethical work? सोचने जैसी बात है। जितनी भी आपको जरूरत हो आपके एथिक्स के अगेंस्ट आप जाओगे क्या, इज अ क्वेश्चन मार्क फॉर यू। सो इट्स अप टू यू, बट इवेंचुअली द ट्रूथ ऑलवेज कम्स आउट। सच को हम छुपा नहीं सकते, तो भले किसी ने नहीं देखा आपको खुद को दिखता है ना। एंड यू बिकम अ रोल मॉडल फॉर पीपल if you follow ethical practices. So that is one of the things when we talk about ethics. The second is to communicate effectively. Kya ho gaya teeno group ke beech mein? We can communicate better in silence is what I learned from the first group. Hai na? Aap kaafi silent hai. Do you have to say something to this? आपका ग्रुप था ना? Yes, आपको 10 मिला था राइट? सेकेंड वॉज इंजीनियर्स। ओ व्हाट आपको क्या लगता है कम्युनिकेशन सही था गड़बड़ थी? सेकेंड गेम में तो कोई भी ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे राइट? So observation is essential in communication. Are you with me? Yes, I am. Observation is essential in communication. Next is develop professional relationship. अभी आपका training काफी दिन से चल रहा था. Do you feel bonded to this team? No. नहीं लगा? आपको नहीं लगा एक अपनापन नहीं आया जब आप games खेले? आज आया एग्जैक्टली। सो व्हेन यू डू सर्टेन एक्टिविटीज टुगेदर दैट इज व्हेन यू बिगिन टू बॉन्ड विद द अदर पर्सन। और ये बॉन्डिंग के बाद में मुझे पता है कि आप में से कोई भी अगर एक टीम में आ गए आपके वर्क प्लेस पे तो आपका काम डेफिनेटली एफिशिएंट होगा और आपको अच्छा भी लगेगा एक दूसरे के साथ काम करने के लिए। राइट आई विद मी? ऑल राइट। नेक्स्ट is take responsibility as per needs.
हमने कहा था आपसे कि आप लीडर चेंज करो, ये जानबूझ के कहा था। क्यों? ताकि हर एक को पता चले कि जब वो लीडर के रूप में आएंगे तो उनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है और उनको एंश्योर करना है कि उनका टीम को जिताना है। Are you with me? Yes, sir. All right. Next is be accountable. Last group, जिनको 5 मिला, game changers. आपने game change नहीं किया, इसकी responsibility कौन लेना चाहता है? देखो, this is what happens. You have somebody to blame. जब आपके पास leader होता है, तो आपको blame करने के लिए कोई ना कोई मिल रहा है। नेक्स्ट में गेम में आपको ही कर देंगे लीडर, तब देखो। राइट, सो बी अकाउंटेबल टू द वर्क दैट इज गिवन टू यू। नेक्स्ट इज बी लॉयल फॉर व्हाट यू डू। जिसके लिए आप काम कर रहे हो, ESIC के लिए आप काम कर रहे हो, आपको उन्हीं का काम करना है, ना कि कस्टमर जो बोले। आर यू गेटिंग मी? यू कांट बेंड द रूल्स फॉर एनीबॉडी। इज इट क्लियर? आपका कोड ऑफ कंडक्ट में शायद दिया होगा, आपको एक्सप्लेन किया गया होगा, तो उस चीज को आपको ध्यान में रखना है, दैट इज प्रोफेशनल एथिक्स। कैन यू गो द नेक्स्ट प्लीज? मैनर्स एंड एटिकेट। एटिकेट इज अ कोड ऑफ कंडक्ट एंड अ सेट ऑफ सोसाइटल रूल्स दैट एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट फॉर पॉजिटिव ह्यूमन इंटरैक्शंस। जैसे कि सॉरी, प्लीज, थैंक यू आर वर्ड्स that make you a refined person and people will want to communicate more with you and your relationships will last if you say sorry. Kitne logon ko sorry bolna thoda mushkil lagta hai? Mushkil lagta hai? Galti na ho to nahi bolte hai, par dusre ke perspective se dekh sakte ho kya? That is enough. Wo jo samne, because hum hamare mein itne अंदर हो चुके होते हैं ना कि हमको सामने वाले का पर्सपेक्टिव भी नहीं देखना चाहते हम। सो इज इट पॉसिबल फॉर यू टू लुक इनटू द पर्सपेक्टिव ऑफ द अदर पर्सन। नेक्स्ट वी कम टू, ऑन द अदर हैंड, मैनर्स आर बिहेवियर्स दैट रिफ्लेक्ट अ पर्सन्स एटीट्यूड। मैनर्स विल ओपन डोर्स फॉर द बेस्ट व्हिच द बेस्ट एजुकेशन कैन नॉट। आपने गुड मॉर्निंग बोला, आपने प्लीज बोला, आपने थैंक यू बोला, इसमें बहुत फर्क पड़ता है। तो आपको सकेंद्र को रोज आपके जितने भी टीम मेंबर्स हैं उनको गुड मॉर्निंग बोलना है। बोलोगे? सी व्हेन ही स्माइलिंग ही लुक्स सो हैंडसम, थोड़ा ज्यादा स्माइल कीजिए। सवेरे जब मैं आई तो आप सब अपने सर पे इतना बड़ा भार लेके बैठे थे, राइट? अभी हल्का फील हो रहा है? बस हल्का रहना है और हल्का फील कराना है सबको। Next, it is believed that good manners are key that doors opens doors of opportunities. आप जिस तरह से पेश करते हो अपने आप को, प्रेजेंट करते हो अपने आप को, आप कैसे एड्रेस करते हो सामने वाले को, विद रिस्पेक्ट, गिविंग वैल्यू टू दैट पर्सन, दैट मे यू नो बी टेकन इन टू कंसिडरेशन वेन यू आर टू बी गिवन इन चार्ज ऑफ अ प्रोजेक्ट। ये सब इम्पैक्ट लाता है। They say that you do not get a second chance to make the first impression. Look at one another and say that. You don't get a second chance. Look at the person behind you and say that. You don't get a second chance to make the first impression. Hey friends, I'm sure this video has added value to your life. Wherever we are, whatever we do want to take loving, tender care of the people around us, with like just as these plants. So if you're at your workplace or if you're at your home, you definitely have the desire to take care of everyone around you. And we at Management Me School of Confidence teach you to manage yourself, get confident, have the growth mindset, and reach out for the stars, your dreams and your goals. So if this video has added value to your life,
why keep it to yourself? Share it to as many people will be benefited from it. And yes, don't forget to subscribe to our channel, like, share and comment. And we will be bringing more videos to you to help you to lead the best life in the now and become your best version. Because our dream is to inspire 1 billion plus people to reach to their fullest version. And we can't do it without your help. Stay blessed. I win, then you win.